हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। तो आज वीडियो में हम करने वाले हैं पल्सर T20 F DS3 मॉडल के साथ R15 Version 4 का एक छोटा सा ड्रैग होने वाला है, जिसमें एक गियर बाय गियर चैलेंज का भी ड्रैग होगा, कितने गियर में कितना किसका जा रहा है। तो इस वीडियो को फटाक से हम लोग शुरू करते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर हम दोनों का बाइक लगा हुआ है और यहाँ पर हमारे पल्सर T20 के राइडर हैं, तो इनसे मिल लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ जी? अभिषेक। तो इनका नाम अभिषेक हुआ और इनका यहाँ पे YouTube चैनल भी है, देख सकते हैं यहाँ पे BR03 Rider। जाके जल्दी से सब्सक्राइब करिए, खतरनाक खतरनाक वीडियो बनाते हैं, एकदम डेंजर डेंजर कटिंग मारते हैं लहरिया। तो चलिए हम लोग 3 Horn पे अपना बाइक को मतलब लेके चलेंगे, ठीक है? और फर्स्ट गियर में कितना जा रहा है, फर्स्ट गियर चैलेंज होगा सबसे पहले, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे भाई अब रेडी है, तैयार है ना आप? बिल्कुल। और सेफ्टी के साथ एकदम आराम से चलाना है। कितना गया फर्स्ट गियर में आपका? 52। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनका फर्स्ट गियर में 52 गया और मेरा 48। तो फर्स्ट गियर का चैलेंज तो ये जीत चुके हैं एकदम आसानी से। एक बार और फर्स्ट गियर चैलेंज करते हैं हम लोग प्रॉपर। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मेरा तो गया 48, मेरा जाता है फर्स्ट गियर में। जैसा कि आप लोगों ने देखा, भाई का बाइक जो था कितना गया था आपका? 52। तो भाई का बाइक 52 गया है। तो इनिशियल में थोड़ा आगे था, लेकिन थोड़ा देर के बाद जब इनका स्पीड ज़्यादा हुआ तो मेरे से आगे निकल गए। ये फर्स्ट गियर चैलेंज था। तो फर्स्ट गियर के विनर हमारे भाई रहे, BR03 Rider। चलिए अब हम लोग आगे से राइडर स्विच करके फिर से फर्स्ट गियर चैलेंज करते हैं, क्या आता है, मज़ा आता है कि नहीं आता है, कितना स्पीड जाता है। वेट का भी वहाँ पर अंतर है, मेरा वेट कम है, इनका वेट ज़्यादा है। आपका वेट कितना है? तो भाई का वेट 70 है और मेरा वेट जो है 55 kg है। तो चलिए हम लोग फिर से राइडर स्विच करके करते हैं। तो चलिए अब हम लोग राइडर स्विच कर चुके हैं। भाई चला रहे R15 Version 4 और हम चला रहे पल्सर T20 BS3, द लेजेंड बाइक ऑफ स्पोर्ट्स कैटेगरी। चलिए हम लोग फटाक से फिर से इस राइड को कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने देखा कि मेरा बाइक जो था, ये पल्सर T20 भाई का जो बाइक है वो 52 गया और मेरा वेट भी कम है। और इनिशियल में भी बहुत अच्छा, उनसे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा पिकअप पकड़ा क्योंकि मेरा वेट कम है, उनका वेट ज़्यादा था। बाकी बाइक जो है फर्स्ट गियर में बहुत अच्छा मतलब खींच रहा है। अब सेकेंड गियर भी ट्राई हम लोग करेंगे। भाई का नींद पूरा नहीं हुआ है गाइस। कितना गया आपका सेकंड गियर में? 77। भाई का 77 गया सेकंड गियर में और मेरा 72। तो बाइक जो था उनका थोड़ा लेट से मतलब कि टॉप एंड में आ रहा था, क्योंकि उनका बाइक जो है 77 गया, मेरा 72। लेकिन इनिशियल की वजह से मेरा थोड़ा देर तक आगे था। और हम लोग ज़्यादा स्ट्रेच नहीं ले रहे हैं क्योंकि रोड यहाँ पर ज़्यादा मतलब देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक वाला रोड है, बहुत ज़्यादा बाइक चल रहा है, 4-व्हीलर चल रहा है, तो ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हम लोग। लेकिन ऐसे देखा जाए तो इनिशियल में ये आगे है, बाकी टॉप एंड में वो अभी सेकेंड गियर तक तो वो आगे है, वो पल्सर T20 F। तो हम फटाफट राइडर को स्विच कर चुके हैं हम लोग। और भाई लोग, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं, और जिस बाइक से आपको रेस चाहिए उस बाइक पे हम लेके आएंगे, उसके लिए आपको कमेंट करके बता देना है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 77 गया, इनिशियल के वजह से थोड़ा पीछे रह गया बाइक। वैसे इस बाइक को ज़्यादा भगाने का हमको एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि हम BS3 मॉडल बहुत कम चलाए हैं और वो इनिशियल में थोड़ा आगे था, तो कुछ दूर तक आगे था। बाकी इनिशियल में वो विनर है शुरू से ही और अभी भी विनर है।
और ये नॉन एबीएस बाइक है इसलिए हम इसको ज़्यादा मतलब कि भगा तो रहे थे लेकिन कॉन्फिडेंस हमको डर लग रहा था। तो गाइस अब हम लोग थर्ड गियर चैलेंज करने वाले हैं और दिल थाम के बैठी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव राइडिंग हो जाएगा। वैसे भाई भी रेडी है, हम भी रेडी है और इस बार राइडर स्विच नहीं करेंगे, इस बार डायरेक्ट जो डिसीजन निकलेगा वो फाइनल डिसीजन होगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं। हम लोग एक बार और ट्राई करेंगे थर्ड गियर चैलेंज, थोड़ा भाई का लॉन्च प्रॉपर शायद नहीं हो पाया था तो थर्ड गियर चैलेंज करते हैं। थोड़ा स्ट्रेच भी लंबा है यहाँ पे, कोशिश करेंगे जो आगे निकले वही फाइनल रिजल्ट होगा। तो मेरा जो बाइक था गाइस तो इनिशियल में थोड़ा तेज़ निकल रहा है तो इसकी वजह से कुछ दूर तक का स्ट्रेच मिल जा रहा है इसको, उसमें आगे निकल जा रहा है। बाकी थोड़े अगर टाइम और हम लोग खींचते थर्ड गियर में, यहाँ पे थोड़ा बम्प था इसलिए हम रोक दिए, लेकिन फिर भी इतना काफ़ी है रिजल्ट पता करने के लिए। अगर थोड़ा सा और अगर हम खींचते और ये भी खींचते भाई, इनका 104 गया और मेरा 97 शायद गया तो इनका बाइक आगे निकल सकता था, लेकिन ज़्यादा हम लोग स्ट्रेच नहीं मिला, जितना मिला उतना मैं खींच के दिखा दिए। बाकी इनिशियल टेस्ट था ये और टॉप एंड में भी मान के चले तो वही विनर, अगर देखा जाए तो विनर वही है क्योंकि उसमें 104 जाता है। थोड़ा देर अगर और हम खींचते ना तो मेरा तो 97 पर लॉक है और उनका 104 जाता है, तो धीरे धीरे मतलब मेरे बाइक को वो चेस कर लेते। तो यही था हम लोगों का आज का वीडियो और इस ड्रैग रेस में मज़ा आया। अगर प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं किसी और अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, टिल देन बाय बाय, जय सियाराम।